आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आह्वान किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में मोर्चा खोला है। भारत बंद का बिहार में असर दिख रहा है। बिहार के कई इलाकों में बवाल भी देखने को मिल रहा है। बिहार की ट्रेनें रोकी गई, पटना में आगजनी दिख रही है, क्योंकि अब आरक्षण मुद्दे को लेकर लगातार जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेन रोकी गई है। तो तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चले कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिहार में जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। अब बहरहाल अगर बात करें तो पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया और ये तस्वीरें कई राज्यों से भी सामने आ रही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें सीधे हम आपको बिहार से दिखा रहे हैं, जहाँ बिहार में प्रदर्शनकारी विरोध दर्ज करते हुए नजर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। प्रदर्शन कर रहे हैं, अब यहाँ पर भारत बंद का ऐलान कर दिया गया था और आह्वान के बाद आज उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ट्रेन रोकी गई है, बाजार बंद है, तमाम यहां पर जो प्रदर्शनकारी है वो उग्र होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने ये आह्वान किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में ये मोर्चा खोला गया है। भारत बंद का बिहार में साफ तौर से असर देखने को मिल रहा है, जहां आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि बिहार के कई इलाकों में बवाल देखने को मिल रहा है। ट्रेन रोकी गई है, पटना में भी आगजनी हुई है। ये तस्वीरें बिहार से निकल के सामने आ रही है, क्योंकि आरा में ये ट्रेन रोकी गई है, उसके बाद आगजनी भी की गई है। प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष तिवारी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, और ज्यादा जानकारी लेंगे। संतोष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि हम सुबह से ही देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है आरक्षण के मुद्दे को लेकर। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे हम बाजारों की बात करें, बिहार में ट्रेन रोकी गई, आरा में, पटना में आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है। जी निश्चित रूप से भारत बंद का आज आह्वान किया गया था और उस बंद कल शाम जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आरक्षण को लेकर, क्रिमिनल लेयर को लेकर। इसके बाद जो है एक बंदी का आह्वान किया गया और उस बंदी का आह्वान करने के बाद जो है लगभग विपक्ष के सभी दलों के द्वारा जो है उस बंदी का समर्थन मिला और सपोर्ट मिला, जिसका नतीजा है कि आज बिहार में जो है लगभग हर जगह से एक जैसी तस्वीर आ रही है। बंदी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जहां आरा में ट्रेन रोकी गई है, वहीं लगभग बिहार से गुजरने वाली सभी एनएच को प्रदर्शनकारियों ने आगजनी करके जाम कर दिया है और पूरा चक्का जाम कर दिया है। एक तरह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह की एक जैसी तस्वीर है, सड़कों पर आगजनी करके प्रदर्शनकारी जो है बवाल काट रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, और हर जगह एक जैसी तस्वीर है। और खास करके जो है आपको बता दें कि यात्रियों को जो है, जो यात्रा करने वाले हैं, लोग आने जाने वाले हैं, उन लोगों को जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेडिकल यानी एम्बुलेंस को लेकर जो है कहीं कहीं भी देखने को तस्वीरें जो सामने आ रही है और देखने को मिल रही है, एम्बुलेंस मरीजों को ले जाने वाले एम्बुलेंस को भी काफी परेशानी हो रही है और जाम का जो है व्यापक और बुरा असर देखने को बिहार में मिल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब जो दलित वर्ग है वो काफी ज्यादा रोष में नजर आ रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका साफ तौर से असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। और ट्रेन की पटरियों पर भी यह प्रदर्शनकारी उतरे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन रोकी गई है, पटना में आगजनी की तस्वीरें निकल के आ रही। तो इसको लेकर सुरक्षा के अगर लिहाज से बात करें, पुलिस प्रशासन की तरफ से बात करें, तो क्या कुछ इंतजाम रखे गए, क्योंकि अगर प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र होते हैं, स्थिति बिगड़ती है, तो क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? जो ऐसा इलाका है जहां पे स्कूल, देखिए अभी तक तो इस मामले को लेकर जो है अभी तक कहीं से जो है अप्रिय घटना की सूचना बिहार में नहीं मिल रही है और तोड़फोड़ की सूचना अभी तक जो है विशेष नहीं मिली है। ऐसे बंद का आह्वान करने के बाद सरकार ने जो है सभी जिले के डीएम और एसएसपी को जो है गृह विभाग की तरफ से विशेष चौकसी और नजर रखने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रदर्शनकारी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह पुलिस प्रशासन समझाने बुझाने का काम कर रही है। प्रदर्शनकारियों को जो है
प्रदर्शन के दौरान समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस को जो है उसमें सफलता नहीं मिल रही है और प्रदर्शनकारी जो है लगातार अपने मंसूबे पर जो है कामयाब हो रहे हैं और लगातार जो है जगह जगह आगजनी करके सड़कों पर हाईवे पर जो है रोड पर जो है गाड़ी को टेढ़ा करके लगा खड़ा कर दिया है, जिस हिसाब से जो है यानी एक साइकिल को भी निकलना मुश्किल हो रहा है और बड़ी दिक्कतों का सामना आने जाने वाले लोगों को करना पड़ रहा है इस वक्त बिहार में। जी बिल्कुल असंतोष है, क्योंकि अगर पहले से इंतजाम सुरक्षा के व्यवस्थाओं के नहीं किए जाएंगे तो बाद में हालात बिगड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगता है, क्योंकि अगर पहले से तैयारी करके चलेंगे तो आगे के लिए काफी ज्यादा सुविधापूर्वक हो जाएगा, क्योंकि पटना में जिस तरह से आगजनी की जा रही है तो हालात बिगड़ते वक्त नहीं लगेगा। ऐसा निश्चित रूप से कल शाम गृह विभाग के तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके अनुरूप जो है पुलिस प्रशासन हर जगह जो है मुस्तैद तो दिख रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दोपहर बाद क्या स्थिति बनकर सामने आती है और बिल्कुल संतोष देखना होगा स्थिति क्या कुछ बनी रहेगी, लेकिन बहरहाल इसका भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है पूरे देश भर में, प्रदेशों में तस्वीरें सामने आ रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।